रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सीतापुर से यह बड़ी खबर आ रही है जहां पर अनियंत्रित होकर पलटी सीआरपीएफ की गाड़ी। इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी, यह हादसा हुआ सीतापुर में जहां पर अनियंत्रित होकर पलटी सीआरपीएफ की गाड़ी। हादसे में 13 सीआरपीएफ के जवान घायल, घायल जवानों को सीएचसी में किया गया भर्ती। लखीमपुर में चुनाव ड्यूटी करने जा रहे थे जवान, हरगांव थाना के लखीमपुर रोड पर हुआ हादसा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सीतापुर से ये बुरी खबर आ रही है सामने, जहां पर आपको बता दें कि हरगांव थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां चुनाव ड्यूटी के लिए लखीमपुर खीरी जा रही थी सीआईएसएफ की जवानों से भरी बस जो कि खाई में गिर गई। तो सीआईएसएफ के जवानों से भरी बस खाई में गिर गई जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में बस में सवार 13 सीआईएसएफ के जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी हरगांव में भर्ती कराया, लेकिन बाद में इसमें से 5 जवानों को लखीमपुर इलाज के लिए रेफर किया गया जिनकी हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक बस में कुल 39 जवान सवार थे। जानकारी के अनुसार सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय बस अनियंत्रित हो गई और निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास जाकर खाई में पलट गई। फिलहाल पुलिस का राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो ये बड़ी और बुरी खबर सामने आ रही है सीतापुर से, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटी सीआईएसएफ की गाड़ी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की तस्वीरें जब ये हादसा हुआ। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना दर्दनाक यह हादसा रहा होगा। बस पूरी तरीके से पलटी हुई है और इस हादसे में 13 सीआईएसएफ के जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सीतापुर से ये बुरी खबर सामने आई जब हरगांव थाना क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा हुआ जहां चुनाव ड्यूटी के लिए लखीमपुर खीरी जा रही सीआईएसएफ के जवानों से भरी बस खाई में गिर गई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि 5 जवानों को लखीमपुर इलाज के लिए रेफर किया गया है। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया अखिलेश यादव ने और इस दौरान कहा कि बीजेपी झूठों की पार्टी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, प्रयागराज के करछना में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा की, बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठों की पार्टी है, झूठों को माफ नहीं बल्कि साफ करेगी जनता। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रयागराज की करछना में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठों की पार्टी है, झूठों को माफ नहीं बल्कि जनता साफ करेगी। पर जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं, जहां बीजेपी की तरफ से भी लगातार इस तरह के बयान सामने आते हैं, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जब प्रयागराज के करछना में जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी तो झूठों की पार्टी है और झूठों को माफ नहीं किया जाता बल्कि साफ किया जाता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जनता की भीड़, कार्यकर्ताओं में उत्साह। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी झूठों की पार्टी है, जनता माफ नहीं बल्कि साफ करेगी।
भारतीय जनता पार्टी को। ये प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रयागराज के करछना में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठों की पार्टी है। भीड़ को देखकर गदगद हुए अखिलेश यादव, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हुजूम वहां पर उमड़ा है कार्यकर्ताओं का, लोगों का, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुनने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज के करछना से, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी तो झूठों की पार्टी है और झूठों को माफ नहीं बल्कि साफ करेगी जनता। चलिए अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 25 फरवरी को रुदौली में ओवैसी की रैली होगी और प्रत्याशी शेर अफगन के समर्थन में उतरे ओवैसी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से, 25 फरवरी को रुदौली में ओवैसी की रैली होगी, प्रत्याशी शेर अफगन के समर्थन में उतरे हैं ओवैसी और चुनावी जनसभा को संबोधित वो करेंगे। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी। यूपी चुनाव में बढ़ चढ़कर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार वोटों की अपील जनता से कर रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि 25 फरवरी को रुदौली वो जाएंगे, जहां पर उनकी रैली होगी और इस दौरान प्रत्याशी शेर अफगन के समर्थन में ओवैसी वोटों की अपील करेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने अयोध्या से, 25 फरवरी को रुदौली में ओवैसी की रैली होगी, अपने प्रत्याशी शेर अफगन के समर्थन में ओवैसी वोटों के लिए अपील करेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार यूपी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और लगातार भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा सभी पार्टियों पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रत्याशी शेर अफगन के समर्थन में उतरेंगे और 25 फरवरी को जनसभा को संबोधित करेंगे, अपनी पार्टी के लिए वोटों की अपील करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अयोध्या से, 25 फरवरी को रुदौली में ओवैसी की रैली होगी, प्रत्याशी शेर अफगन के समर्थन में उतरेंगे ओवैसी और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि लगातार यूपी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं ओवैसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि पांचवें चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में प्रचार अभियान की शुरुआत मैंने प्रभु राम की नगरी अयोध्या से कर रहा हूं। वहीं बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम अयोध्या की पांचों सीटें जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश में 325 सीटों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में 325 सीट जीतने का मतलब है कि प्रदेश में एक मजबूत और दमदार सरकार होगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ है और उनकी संवेदना भी आतंकवादियों के प्रति ही है। आज मैं आपके पास आया हूं, यही तो है
हमने बिजली देने में भेदभाव नीति, राम राज्य की स्थापना के लिए भारत ज्यादा दंगे हुए थे, 200 से ज्यादा दंगे। याद कर लीजिए आपका चौक भी जला था, याद कर लीजिए आपका सायगंज भी जला। दिनेश पांडे जी, विधानसभा संयोजक जनार्दन मौर्या जी, अजय तिवाड़ी जी, संतोष शुक्ला जी, राधे श्याम त्यागी, जगमगाती है अयोध्या के साथ में। गरीब का घर भी संपन्न होता है और अयोध्या की दीपावली देश और दुनिया के लिए सस्ती भी दिखाई देती है। यह है हमारी अयोध्या, यह है अयोध्या। और अयोध्या को उसके गौरव के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यही तो है, हमने बिजली देने में भेदभाव नीति, राम राज्य की स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बढ़त का दावा कर रहे हैं और आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4th चरण के मतदान के लिए सोमवार को ताबड़तोड़ जनसभाएं की। सीएम योगी ने हरदोई के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र, रायबरेली के हरचंद्रपुर और बचरावा विधानसभा क्षेत्र और लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश चुनाव में राष्ट्रवाद और सामाजिक समन्वय के साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर संत धर्माचार्य भी सक्रिय हैं। इसी क्रम में अयोध्या के पूज्य संत धर्माचार्यों का एक दल यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के चुनावी क्षेत्र सिराथू विधानसभा के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर रामायणी रामशंकर दास ने कहा कि संत धर्माचार्य अपने मठ मंदिर और कुटिया से जब राष्ट्र जागरण के लिए निकलते हैं तो व्यापक परिवर्तन होता है। साथ ही कहा कि इस महाअभियान में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी की भूमिका सराहनीय रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सिराथू विधानसभा क्षेत्र के राम भक्तों का योगदान मंदिर आंदोलन के समय पर मिलता रहा है और आज उन भक्तों के बीच का एक राम और राष्ट्र भक्त केशव समाज की सेवा के लिए तत्पर है। हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पर उप मुख्यमंत्री सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य के पास में जा रहे हैं और राष्ट्रवादी सरकार बनाने के लिए फिर से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बने और सरकार उसी सरकार के उसमें हम लोग जा रहे हैं ताकि राष्ट्रवादी सरकार बने। नहीं आस्थान के पास हैं हमारा जी, आज कहाँ प्रस्थान आप? कुशीनगर के खड्डा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान कुंवर आरपीएन सिंह ने कहा कि श्रम कार्ड, किसान निधि, अन्य जो भी योजनाएं हैं
वो सीधा गरीबों को मिल रहा है, उनके खाते में पैसा जा रहा है। आज भारत को विश्व के सभी देश लोहा मान रहे हैं, तो भारत का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सकारात्मक सोच और उनके कार्य करने के ऊर्जा का ये देन है। तो कुशीनगर के खड्डा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान कुंवर आरपीएन सिंह ने कहा कि श्रम कार्ड किसान निधि अन्य जो भी योजनाएं हैं वो सीधे गरीबों को मिल रही हैं, उनके खाते में पैसा जा रहा है। आज भारत को का लोहा पूरा विश्व मानता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सकारात्मक सोच और उनके कार्य करने की ऊर्जा की ये देन है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के प्रत्याशी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी दौरान लखनऊ में डीके ठाकुर ने विधानसभा चुनाव 2022 में भारी संख्या में मतदान के लिए राजधानी वासियों से अपील की। डीके ठाकुर ने कहा कि भयमुक्त होकर निष्पक्ष मतदान करें। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट पुलिस पूरे लखनऊ में निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कल दिनांक 23 फरवरी 2022 को प्रातः 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक सभी बूथों पर मतदान होगा। हमने सभी बूथों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध कर रखे हैं, इसलिए आप सबसे यही अपील है कि आप भारी से भारी संख्या में यहां आए, मतदान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व को सकुशल संपन्न कराएं। और लखनऊ के साथ जो यह मिथ जुड़ा हुआ है कि लखनऊ में कम मतदान होता है, इस मिथ को तोड़ें। हमने और जिला प्रशासन ने मिलकर ये नारा दिया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट पुलिस पूरे लखनऊ में निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कल दिनांक 23 फरवरी 2022 को प्रातः 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक सभी बूथों पर मतदान होगा। हमने सभी बूथों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध कर रखे हैं, इसलिए आप सबसे यही अपील है कि आप भारी से भारी संख्या में यहां आएं, मतदान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व को सकुशल संपन्न कराएं। और लखनऊ के साथ जो यह मिथ जुड़ा हुआ है कि लखनऊ में कम मतदान होता है, इस मिथ को तोड़ें। हमने और जिला प्रशासन ने मिलकर ये नारा दिया। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुक करेंगे खबरों का। यूपी विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन उन्नाव में प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा किया कि जिससे वो सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वा विधानसभा के चंदनखेड़ा गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर स्वागत सम्मान के दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने उन्हें राम दरबार को स्मृति स्वरूप भेंट किया। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए, लेकिन पीएम मोदी ने तुरंत उन्हें रोका। पीएम मोदी ने उन्हें पैर न छूने को कहा। अंतिम पायदान पर खड़े बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। पंक्ति के अंतिम पायदान। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।